चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल और आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल चीज़ देखेंगे, एक बायोमास का कुक स्टोव। ये जो बायोमास का कुक स्टोव है ये मेड इन इंडिया है और आज हम इसको अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इसमें क्या है और किस तरह का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से एक पैकेट आया हुआ है, इसको हम अभी पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके इस तरफ लिखा गया है सेफ फ्यूल टाइम एंड मनी। ये कंपनी है आपका प्राकृति डबल बर्नर चिमनी का और इसका वेबसाइट भी है prakritidesign.com। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बाय स्किल मेक इंजीनियर्स और यहाँ पे देखिए लिखा गया है इम्प्रूव बायोमास कुक स्टोव मेड इन इंडिया। और इस तरफ भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया इसका बैच नंबर कुछ है और इसका साइज है 6x5x265x300 और सीरियल नंबर है 1678। ठीक है, और ये 2013 का मैन्युफैक्चरिंग है, पर ये जो बॉक्स का नंबर है यहाँ पे 2013 का है, पर अभी भी जो आता है वो 2013-14 इस तरह से आता है। और इसके ऊपर 1 ईयर का कंप्लीट प्रोडक्ट का वारंटी है। ठीक है, और इसका यहाँ पे भी देखिए डिज़ाइन है prakritidesign.com और इसके तरफ भी वही लिखाई है और इसके तरफ भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया इजी टू यूज एंड मेंटेन, पोर्टेबल, सेबोर्ड वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है ये लकड़ी से चलता है, तो अभी इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। तो ये रहा वो चिमनी और जिसके और गैस स्टोव, सॉरी ये है आपका बायोमास स्टोव और ये है आपका ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला चीज़ है ये वाला आपका चिमनी के लिए है, यानी कि जब भी आप चलाएंगे तो यहाँ पे आप एक अगर लोहे का पाइप लगा देते हैं और इसको चिमनी की तरह लेते हैं तो उसमें से धुआं जाएगा, पर यहाँ से धुआं नहीं आएगा। ठीक है, और इसको भी हम अभी देख लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे भी देखिए ये लिखा गया है आपका प्रकृति। ठीक है, और यहाँ पे आपका लकड़ी डालते हैं। ठीक है, और जो ये वाला चीज़ मैंने दिखाया था ये वाला चीज़ इसके अंदर जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे इस तरह से लगेगा और लकड़ी आपको यहाँ पे डालना है, तो क्या होगा जो राख है ये अंदर चला जाएगा और लकड़ी से यहाँ पे जाएगा। और इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है पूरा सॉलिड स्टील का है, स्टेनलेस स्टील, यानी कि इसमें जंग नहीं लग गया। और ये जो है ये भी स्टील का है और ये भी पाउडर कोटेड है, तो ये आपका जंग नहीं लग गया। इसमें दो चीज़ें, यानी कि अगर आप एक में आग लगाते हैं तो आपका दोनों तरफ आप यहाँ पे खाना पका सकते हैं। और इसमें ये जो है आपका गारंटी है, इसमें आपका धुआं नहीं होगा, बस इसमें आपको छोटा छोटा लकड़ी ही डालना पड़ेगा और ये आपका पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। और जैसे कि मैंने बताया था ये वाला चीज़ धुआं के लिए, तो यहाँ पे अगर आप चिमनी की तरह लगाते थे लोहे का पाइप बाहर की तरफ तो ये आपका बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और ये पूरी तरह से ये आपका लोहे का है और बहुत ही लाइट वेट भी है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोहा इसमें इस्तेमाल किया गया है, पाउडर कोटिंग भी किया गया है। और ये यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है और यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील है। ये एक तरह का बॉक्स जैसा, यानी कि जो हीट है वो इसके अंदर ही रहेगा और निकलेगा नहीं, और जब धुआं होता है तो यहाँ से निकलेगा, किसी और से नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी हम इसको चारों ओर से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला साइड, पीछे वाला साइड, ये
ये इस तरह से रखने से क्या होता है कि जब भी आप बर्तन या कुछ रखते हैं, ये एक तरह से सील जैसा हो जाता है। तो क्या होता है, आग इसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जा पाता, और जो धुआं होता है ये यहाँ से ट्रैप होता हुआ यहाँ पे जाता है। जब आप जैसे कि कहते हैं दो बर्नर होता है, जैसे कि एक हाई और एक लो होता है गैस में भी, तो ये वाला हाई के लिए जहाँ पे आप चावल वावल बनाते हैं और यहाँ पे थोड़ा कम आंच वाला बनाते हैं, तो एक साथ यहाँ पे आप दोनों चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही क्या होता है कि कई बार आपका जो गैस नहीं होता है या फिर इतने रिमोट एरिया पे रहते हैं जहाँ पे आप लकड़ी का मिलता है पर गैस या फिर किरोसिन उस तरह का चीज़ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको बैकअप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास गैस नहीं है पर लकड़ी का इंतज़ाम है तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छी काम करता है। और इंडिया में बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसका जो वेबसाइट है प्राकृतिका, जो अभी आप नीचे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका बायोमास का स्टोव, और जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जल्द से जल्द आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।